नहीं मैं अच्छा पढ़ूंगा ही, हर क्लास को तीन तीन चार चार बार पढ़ाऊं, कैसे नहीं पढ़ूंगा। नहीं मैं भयंकर इंटेलिजेंट आदमी हूँ भाई साहब, भयंकर इंटेलिजेंट आदमी हूँ। एक दिन मैं स्कूल टेस्ट में फेल हो गया, जैसे स्कूल टेस्ट में फेल हुआ मैं घर चला गया, टीचर ने मुझको एक सीट दिया था उस पे जो है साइन करा के लाना था, पापा खींच लिया। हो जाएगी ना मेरी, ये तुम्हारी हो जाएगी। अरे हीरा तेरे बहाने कवित्री का खींच रहा है। नहीं मैं भयंकर इंटेलिजेंट आदमी हूँ प्रदीप भैया, मैं आपको बेहद ईमानदारी से बता रहा हूँ, इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ आप कैसे, मेरी इंटेलिजेंसी देखिए। एक दिन मैं स्कूल टेस्ट में फेल हो गया, मैं जैसे ही घर गया घर में पापा को दिखाया कि मैं स्कूल टेस्ट में फेल हो गया, पापा जी ने कहा कि बेटा आज के बाद तू मुझे बाप मत कहना। मैंने कहा पापा मैं केवल स्कूल टेस्ट में फेल हुआ हूँ, डीएनए टेस्ट में नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप बताओ मैं अच्छा कैसे नहीं पढ़ूंगा। नहीं हकीकत बात बता रहा हूँ। क्या हुआ भैया? मेरी शादी नहीं हो रही है, ये बात सही है, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी हो जाएगी, काहे कि इंटरनल फॉल्ट नहीं है, सब ओके है। और मैं बता रहा हूँ होगी, क्यों नहीं हो रही वो बता रहा हूँ। एक दिन जो है मैं लड़की देखने चला गया, जैसे ही लड़की देखने गया तो हुआ क्या, जहाँ जैसे ही गया उस तरफ से जो हुआ उसको मैं कविता के माध्यम से बताता हूँ कि लड़की के भाई बोले कहाँ रहते हैं आप चाइनीज में तनिक लिख के बताइए। इतनी शांति से आप सुनोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, थोड़ा वाह वाह आह वाह करते जाओ। हाँ कि हाँ नहीं इतनी 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 जोर से नहीं, वो समझ में आ रहा है वो किसी और चीज का असर है। वैसे कौन सा ब्रांड है भैया? गोवा जम्मू बकार्डी वोदका एसिनेट पासपोर्ट सिग्नेचर वैलेंटाइंस मैकडॉयल्स नंबर वन आफ्टर डार्क व्हाइट हाउस रॉयल चैलेंज रॉयल स्टेक ब्लैक डॉग ब्लैक वेलवेट ग्रीन लेवल ग्रीन मार्क इंपीरियल ब्लू ब्लेंडर स्प्राइट हेवर्ट्स पॉइंट जानी वाकर कैप्टन मॉर्गन मैजिक मूवमेंट माल्ट विस्की मेन्स क्लब कैनेडियन क्लब रशियन स्टैंडर्ड किंग फिशर्स ऑफिसर चॉइस पार्टी स्पेशल बेक पाइपर संडेड पाइपर स्वेट 69 टीचर्स 50 मंकी 47 8 पीएम लेवल 1 रॉकफोर्ड हनी बी निक्का ब्लैक जिनरो लिचिको क्रिस्टल या फिर महुआ का असर है। पूरा कोर्स का बात कर दिया है। एक बार इसके अनुभव के लिए जोरदार तालियां। नहीं अनुभव वाली बात नहीं है महाराज, क्या है ना मैं पहले जो है भट्टी में काम करता था। अरे काम करने में शर्म का है भाई, क्या चीज का शर्म है आप बताओ भला। क्या हो गया भैया राजा साहब के कान में क्या बात कर रहे हो? कौन सा ब्रांड लाऊं ये बोल रहे हो क्या? अब मेरे से पूछो यार कौन सा ब्रांड लाना है, जितना तुम्हारे पास नहीं होगा उससे ज्यादा मेरे पास कलेक्शन है। सही बता रहा हूं, मीनू लेके घूमता हूं, गाड़ी की डिक्की में मंगाऊ क्या? भूपेन खड़े हो गए। नहीं मैं पहले क्या है भट्टी में काम करता था, काम करने में काहे का शर्म यार। अपने यहाँ तो हमारे भूपेश बघेल जी इतने अच्छे आदमी इतने अच्छी इतने हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ब्रांड का नाम सुन के सब नजदीक आ गया, ये ईमानदारी। नहीं नहीं ये एपिसोड खत्म हो गया महाराज। मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ का शराबी जो होता है वो भयंकर इंटेलिजेंट होता है, इतना इंटेलिजेंट होता है। एक दिन मैंने एक शराबी से पूछा भाई साहब तुम इतना पीते क्यों हो? उसने जो जवाब दिया जवाब ठीक ठाक लगे तो बताना। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब तुम इतना पीते क्यों हो? वो शराबी बिलाईगढ़ का था, उसने कहा कि हम प्यास से किसी को यूं मरने नहीं देंगे। वाह वाह, हम प्यास से किसी को यूं मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतारा उतरने नहीं देंगे। दीपक भैया उतारा समझते हो ना? हाँ ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझता। हम प्यास से किसी को मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतारा उतरने नहीं देंगे, चाहे गिरे पड़े रहे नाले में खुद मगर इस देश की जीडीपी को गिरने नहीं देंगे। बहुत अच्छा,
भयंकर इंटेलिजेंट होता है। मेरा एक दोस्त तो भयंकर शराबी था, उसने कोरोना काल में शादी कर ली। शादी का उसने शादी में क्या किया, उसने शादी में केवल एक ही कार्ड छपवाया, उस कार्ड को सबको फॉरवर्ड किया, मेरे को भी फॉरवर्ड किया। उस कार्ड में लिखा था कि भेज रहे स्नेह निमंत्रण प्रीवर तुम्हें बताने को, हे दावत के राजहंस तुम आमत जाना खाने को। मैंने उसको तुरंत फोन मिलाया, मैंने कहा भाई साहब मैं इतना पराया हो गया क्या कि तू मुझे इनविटेशन तक नहीं दे सकता। तो वो शराबी फिर से बिलाईगढ़ का था, उसने जवाब दिया कि ऐसे नमू फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा, तू साथ बैठ तुझको हाले दिल सुनाऊंगा, इस बार परमिशन मिला है बस 50 का, जब दूसरी करूंगा तो पक्का बुलाऊंगा। इतना इंटेलिजेंट होता है अपने यहाँ का जो आदमी होता है। अब मैं तुमको बता रहा था भाई साहब मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, सुनो कि लड़की के भाई बोले कहाँ रहते हैं आप चाइनीज में तनिक लिख के बताइए। लड़की की माई बोली कितने पर माइक के साथ कहे छेड़छाड़ कर रहे हो भैया, इसी छेड़छाड़ के चक्कर में पवन बांके बिहारी जी 3 साल अंदर जा चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि अगली बार तुम्हारी बारी लग जाए, छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना भाई, तार्किक बात, एकदम तार्किक बात है, हाँ वास्तविक बात है कि लड़की के भाई बोले कहाँ रहते हैं आप चाइनीज में तनिक लिख के बताइए। लड़की की माई बोली कितने पढ़े हैं आप 3.25 का जरा पहाड़ा तो सुनाइए, 3.25 का जरा पहाड़ा तो सुनाइए। लड़की के पापा बोले अपने ही पापा के हो, इसका सबूत क्या है हमको दिखाइए। हाँ इतने में छोरी बोली कितनी है गर्लफ्रेंड, इतने में छोरी बोली कितनी है गर्लफ्रेंड, थोड़ी थोड़ी बात आप सबसे कराइए। वाह बहुत बढ़िया, अब इसके बाद किसकी होने वाली है भाई साहब बताओ। और दूसरी मैं आपको बता दूं, ये जो मैं काम करता था भट्टी में वो काम भी परमानेंट नहीं था, संविदा का था, उससे भी मेरे को निकाल दिया गया। समस्या ये हो गई, अब फिर क्यों नहीं हो रही वो भी सुनो। बंशी महाराज जी और मैं एक बार लड़की देखने चले गए, जैसे ही लड़की देखने के लिए गए चाय पानी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई, उसके बाद जो है मैम मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आप मेरे सम्मान में खड़ी हो गई, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पुनः मेरे सम्मान में आप बैठ जाएं, 5-7 मिनट का समय मेरा बचा हुआ है, नहीं मतलब शादी वादी के लिए समय नहीं बचा है बोल रहा हूँ, उसमें तो काफी टाइम है, और जिस प्रकार के मेरे चरित्र उसमें तो होंगे ही नहीं लग रहा है, हालांकि कोई इंटरनल फॉल्ट नहीं है भाई। और भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, हम लड़कों के साथ मोदी जी ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे के आड़ में हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है। आप मानते हो नहीं मानते हो, मानते हो तो बजाओ यार एक बार, मैं तार्किक बात एकदम कर रहा हूँ, हर जगह हम लड़कों का शोषण हो रहा है। कैसे हो रहा है आप देखो प्रदीप चाचा, आप ये बताइए, आप एक चीज सुने होंगे कि किसी भी लड़की के जन्म होने पर यह कहा जाता है कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है, साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया है। आज तक किसी लड़के के जन्म होने पर यह कहा जाता है कि हमारे घर साक्षात विष्णु ने जन्म लिया है, साक्षात शंकर भगवान ने जन्म लिया है। अपने को तो चाचा काल नेमी समझा जाता है। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि बेटियां जो होती है वो घर आंगन की तुलसी होती है, तो आप लोग बताइए हम लड़के का चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते होते हैं। नहीं ये लड़कियां कहती हैं कि हम पापा की परियां हैं, तो हम लड़के क्या मम्मी के मगरमच्छ हैं? कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। नहीं हर जगह हम लड़कों का शोषण हो रहा है। अच्छा बंशी महाराज आप बता रहे थे कि मैडम पता नहीं सलवार पहनी है कि क्या पहनी है कैसी पहनी है, ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इतने अनुभव है भाई साहब, मैं दूसरे जगह भी काम करता था। आपको जब समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ लिया करिए कि इसको क्या बोलते हैं, मेरे को सब पता है, कुर्ती लहंगा सलवार साड़ी मिडी गाउन लाइक्रा प्लाजो कार्गो टक्सीडो स्कर्ट मैक्सी पोंचो शॉर्ट्स जींस लेगिंग थल्टार बाथरोब कॉर्डिगन कॉर्सेट कॉकटेल क्रॉप टॉप कैवी टॉप स्विम सूट ट्रैक सूट जंप सूट ट्रेंच कोट ओवरकोट लेदर जैकेट डेनिम जैकेट टॉप शोल्डर वन शोल्डर चाइना चोली अनारकली चिकन कली शरारा सूट परारा सूट सब पता है भाई साहब। बहुत बढ़िया, बलराम वस्त्रालय में का नौकरी पक्का है, देख यार मधुकांत कहां है, प्रदीप भैया कहां है, ढंग का पेमेंट कर देना भैया, हो जाएगी मेरी क्योंकि इंटरनल फॉल्ट नहीं है। कल से दुकान के आगे सड़क में खड़े कर दी है। नहीं हम लड़कों के साथ हर जगह शोषण हो रहा है, अपने को तो भाई साहब चड्डा निक्कर बरमूडा और कैपरी में अंतर नहीं पता होता है।
कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा, बेटा दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। अब बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे को ही देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। अब बेटी तो पराए घर जाएगी ये बोल बोल, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज, और हमको तो बस तकिया समझ रोज, कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। इस प्रकार से हम लोग, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम पत्नियों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर, प्रेमिकाओं के ऊपर कितनी भी चुटकुले कर ले, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं दुर्गा चाचा जी की, कहना चाहता हूं कि देखो कि है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में, मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में, है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में, मगर सब कुछ हम ही पर ही लुटा दी जिंदगानी में। अकेले नहीं भाई, है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में, मगर सब कुछ हम ही पर ही लुटा दी जिंदगानी में। बहन बेटी माँ पत्नी प्रेमिका बन लड़कियां अक्सर, बहन बेटी माँ पत्नी प्रेमिका बन लड़कियां अक्सर, हर एक किरदार जीती है बखूबी जिंदगानी में। बहुत बहुत